हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TG113 स्पीकर के बारे में। ये स्पीकर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है और इसको कितना खर्च आएगा, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है उसको हम नहीं देख सकते, हमारे पास में हमारे दोस्त है साबिर, जिनका खुद चैनल है SS मोबाइल केयर, और वही हमारे रिपेयरिंग के काम करते हैं। तो हम उनके पास जाएंगे स्पीकर लेकर और वहां पर देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको खर्च कितना आएगा, और उनसे टिप्स लेने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर साबिर भाई के पास चलते हैं। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे, मेरे पास में एक TG का 113 है, मॉडल नंबर है, ये ब्लूटूथ स्पीकर है। तो ये हमारे को इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बैटरी बैकअप हमारे को नहीं मिल पा रहा है इसका, सिर्फ 10-15 मिनट से ज़्यादा इसका बैकअप नहीं मिल रहा है। तो आज हम इसका बैटरी चेंज करेंगे और इसको कौन सा बैटरी हम अंदर यूज़ किया हुआ है वो भी देखेंगे, और हमारे पास अवेलेबल है क्या वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको अंदर से बता देता हूँ कि इसके अंदर बैटरी कौन सा फिट किया हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे नटे जो है तो इसके कपड़े के अंदर में है, तो हम इसको इस तरीके से इसको नीचे स्लाइड करते जाएंगे तो इसके अंदर से जो आप देखोगे कि स्क्रू का जो है होल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हमको पूरा ओपन नहीं करना है इसको, ज़्यादातर हमारे जितने भी स्क्रू है बस तो इतना ओपन हो जाए, इसके लिए हम ओपन कर रहे हैं इसको, ठीक है। आइए दोस्तों, देखिए हमारे पास में अभी इस तरीके का, इसके अंदर हमने ओपन करने के बाद देखिए इसके अंदर इस तरीके का बैटरी है और ये चाइना बैटरी है, असल में पूरा मॉडल ही चाइना ही है। तो अब ये जो है तो हमारे पास में मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है ये वाला बैटरी, और इसका जो MAH है आप देख सकते हैं 800 MAH है, लेकिन एक्यूरेट MAH 800 नहीं मिलता है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा ये 500 के अंदर होगा। तो इसका बैकअप भी बराबर नहीं मिलता है और ये बैटरी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज हम इसको एक काम करेंगे, हमारे पास एक और बैटरी है जो हम मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं, तो हम वो वाला मोबाइल का अंदर का बैटरी यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक बैटरी है जो माइक्रोमैक्स कंपनी का है और इसका 1400 MAH है, ठीक है। तो इसका पावर भी डबल हो जाएगा, लेकिन इसको जो वोल्टेज सप्लाई मिलता है वो सेम वोल्टेज मिलेगा, इसको 5.2 का इसको वोल्टेज सप्लाई देता है चार्जर इसका, तो इसी चार्जिंग के ऊपर वोल्टेज के ऊपर ये भी बैटरी चार्ज हो जाएगा और इसका बैकअप हमको डबल मिल जाएगा। मतलब अगर ये 2 घंटे चलता था इनके हिसाब का तो ये समझ लो कि आपका 6 घंटे चलेगा, इतना बैकअप मिलेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी बैकअप ज़्यादा है, 1400 MAH है और ये सिर्फ 800 MAH है, ठीक है। और ये कंपनी का बैटरी है तो हम इसको इसके अंदर सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको अभी ये वाली बैटरी को निकाल देते हैं। अभी ये बैटरी हमको बाहर मार्केट में नहीं मिलना है, और ये असल में मिलेगा भी तो हमको इस तरीके का क्वालिटी नहीं मिलेगा, लोकल क्वालिटी आएगा। तो इसको हम इसको अनयूज़ कर देंगे, इसको कुछ काम नहीं हमको, और हम मोबाइल के अंदर का यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमको बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा। और सबसे पहले तो हमको देख लेना इसके अंदर स्पेस बैठने के लिए जगह है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर आपका शेप में बैठ भी जा रहा है बैटरी, ठीक है। तो इसको दिक्कत नहीं होगा, कोई हिलेगा भी नहीं बैटरी, आप इस तरीके से डालोगे तो थोड़ा उसको दिक्कत आएगा, लेकिन आप इस तरीके से भी रख सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं इसके अंदर मार्किंग किया हुआ है प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आपको रेड वाले पे प्लस पे रेड वाला लगा देना है और माइनस पे ब्लैक वाला लगा देना, ठीक है। बीच वाला सेंटर वाला बेस होता है, ये मोबाइल में यूज़ होने के लिए सही है, लेकिन हमारे पास प्लस और माइनस दो ही है तो इसको हम प्लस और माइनस रेड और ब्लैक पे लगा देंगे, ठीक है। Yeah.
सबसे पहले मैं आपका माइनस वाला लगा दे रहा हूँ, निगेटिव वाला। ध्यान रहे इसको अच्छे से आप शोल्ड कर लीजिए ताकि आपका वायर आगे टूटने ना पाए जल्दी। ज़्यादा हार्ड भी मत लगाइए, दोनों आपस में टच भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने प्लस और माइनस दोनों पे लगा दिया है। आपका बीच का बेस वाला जो है तो छोड़ दिया है इसको। अभी हम इसको वापस से सेट करके देखते हैं हमारे प्रॉपर जो बैठ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एकदम शेप में बैठ चुका है बैटरी के अंदर में। ठीक है, अब हम इसको फिटिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इसको ओपन किए थे उसी तरीके से हम इसको पैक कर देंगे। ये हमारा TG113 मॉडल है। ठीक है, तो हमने आज इसका बैटरी किस तरीके से बदलना है वो देखे है। तो अभी हम इसको वापस से स्क्रू इसके टाइट कर देंगे और मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारा पूरा फिटिंग हो चुका है। मैंने इसके अंदर बैटरी हमारा मोबाइल का यूज़ किया है और ये बैटरी इसका अंदर का इंटरनल निकाल दिया है। अभी मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको और इसको चार्ज हो रहा है या नहीं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप साउंड सुन सकते हैं इसका। ये हमारा मोबाइल सॉरी आपका ब्लूटूथ स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, आपको चार्जिंग भी शो करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं रेड लाइट यहाँ पे जल चुका है। ये हमारा बैटरी इसके अंदर पूरी तरीके से प्रॉपर सेट हो चुका है और आपका इसका बैकअप भी अब दुगना मिलेगा इसके अंदर में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, हमारा TG113 हैंडसेट जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसके अंदर हमको आज बैटरी किस तरीके से बदलना है और कौन सा बैटरी इसके अंदर यूज़ करना है, हमारा बैकअप डबल करना है, तो हमने आज इसको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।